हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मुखोपाध्याय, शोल्डर सर्जन एट सी के बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव। वेलकम बैक। यूजुअली जब हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो सबके दिमाग में आती है बात नी रिप्लेसमेंट की, बट आज हम बात नी रिप्लेसमेंट की नहीं बल्कि एक स्पेशल टाइप ऑफ शोल्डर रिप्लेसमेंट की करेंगे, जिसे हम कहते हैं रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट। अभी रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट होता क्या है और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? मैं पहले भी अपने कुछ वीडियोस में रोटेटर कफ के बारे में बात कर चुका हूँ। रोटेटर कफ एक ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो आपके शोल्डर को एफिशिएंटली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, और इसके टियर से, इन ग्रुप ऑफ मसल्स के टियर से शोल्डर फंक्शन बहुत हद तक एंड काफ़ी एडवर्सली अफेक्टेड होता है। जब तक ये टियर छोटा है इसको हम डायरेक्टली रिपेयर कर सकते हैं, बट बहुत समय ऐसा देखा गया है कि पेशेंट्स या तो अपने आप से इस प्रॉब्लम को निग्लेक्ट करते हैं, बहुत से डॉक्टर्स इस प्रॉब्लम को पिकअप नहीं कर पाते हैं, निग्लेक्ट करते रहते हैं, या सही तरीके से इस चीज़ की एक्सरसाइजिंग या रिपेयर या ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं की जाती, जिसके चलते ये छोटा सा रोटेटर कफ टियर ओवर अ पीरियड धीरे धीरे बढ़ता जाता है। एंड ऐसा टाइम आता है कि इस जो चार मसल्स का जो टोटल अटैचमेंट है पूरा का पूरा ही आपके आर्म बोन से उखड़ जाता है। दिस बिकम्स अ मैसिव रोटेटर कफ टियर। अब मैसिव रोटेटर कफ टियर होते ही आपके शोल्डर की फंक्शनिंग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है, खत्म हो जाती है, हाथ उठना बंद हो जाता है, डे टू डे एक्टिविटीज भी हैम्पर होती हैं। बट इस पॉइंट पे भी लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं, जिसके चलते ओवर अ पीरियड धीरे 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 जैसे बाकी जॉइंट्स में आर्थराइटिस हो सकती है, डिजेनरेटिव चेंजेस हो सकती हैं, शोल्डर में भी बिकॉज ऑफ द ऑल्टर्ड बायोमैकेनिक्स, बिकॉज अ इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मसल्स इज इंजर्ड एंड कंप्लीटली टॉर्न, ये जॉइंट भी डिजेनरेट होने लगता है, आर्थराइटिक होने लगता है और इसकी फंक्शनिंग हैम्पर होने लगती है। ऐसे सिचुएशन में जहां की मसल्स कंप्लीटली टॉर्न है एंड आर्थराइटिस सेट इन हो रहा है, ऐसे पेशेंट्स में रिवर्स शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी या रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट इज लाइक मैजिक। ये आपके शोल्डर के फंक्शनैलिटी को ऑलमोस्ट 100% तक रिटर्न कर सकता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि जो मसल्स टियर हो गए थे उनको शायद इस हद तक वो खराब हो चुके हैं कि उनको रिपेयर ना पॉसिबल हो। ऐसे सिचुएशन में भी रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट शोल्डर की फंक्शनिंग को ऑलमोस्ट कंप्लीटली रिटर्न कर सकता है। ये एक स्पेशल तरीके से काम करता है जिसमें हम शोल्डर के बॉल एंड सॉकेट को अगल बगल कर देते हैं, जहाँ पे बॉल है वहाँ सॉकेट आ जाता है, जहाँ सॉकेट है वहाँ बॉल आ जाता है, जिसके चलते जो आपका शोल्डर का मेन ऊपरी मसल है डेल्टॉइड जो बाहर से दिखता है, वो आपके शोल्डर का सारा दामोदर अपने ऊपर ले लेता है, सारा फंक्शनिंग ऑफ द शोल्डर उस एक मसल पे आ जाता है, जो कि अब बिकॉज ऑफ द चेंज्ड पोजीशन ऑफ द बॉल एंड सॉकेट ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है एंड आपको फुल शोल्डर फंक्शन देने में आपकी मदद करता है। इसके बारे में और डिटेल्स में अगर जानना हो आप डेफिनेटली मेरे वीडियोस देखते रहें, मेरे को सुनते रहें या फिर हमारे वेबसाइट को विजिट करें। अगर आपको अपने शोल्डर या अपने जानकार में या अपने लव्ड वंस में किसी के भी शोल्डर के बारे में कोई भी ओपिनियन लेना है, एक बार एग्जामिन करवाना है, इवैल्यूएट करवाना है या कोई इंपॉर्टेंट सर्जरी करवानी है, तो डेफिनेटली आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सीके बिरला हॉस्पिटल में मंडे टू सैटरडे हर दिन अवेलेबल हूँ। आप डेफिनेटली एक अपॉइंटमेंट लेके या तो मेरे से डायरेक्टली या मेरे कोऑर्डिनेटर से या हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट लेके हमारे पास आ सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से समझ के, उसकी पूरी तरीके से एनालिसिस करके, आपको हर ऑप्शन एक्सप्लेन करने के बाद ही आपके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट रहेगा वो आपको ऑफर किया जाएगा।